यह पैदा हो गया मसला। असेंबली ने एक बिल पास कर दिया ट्रांसजेंडर बिल, सुनया जे हुण ट्रांसजेंडर बिल की शायद है, यह तो इंतहाई है। मुसलमानों को तो जेब ही नहीं देती यह जी गल, शर्म आती है। इहदा मतलब है कोई बंदा उन्हूं अल्लाह ने औरत मुक्त सर जी, मैं तुहानू दसना अल्लाह पाक ने किसी औरत बना के घल्या है ते ओ दुनिया दे आ गया कि नहीं नहीं मैं मर्द होना चाहिए सी, तो नादरा दे दफ्तर जाके अपना मर्दां दे रिकॉर्ड करो हाल वे मर्द है जी। किसी ने मर्द बनाया तो आखे नहीं नहीं मैनू पसंद है, नहीं जो अल्लाह ने बनाया वो पसंद नहीं, मेरी ख्वाहिशात ये ने कि मैं औरत होवां, लिहाजा कार्ड ते अपना औरत लिखवा सकता है। अफसोस है भाई, ओए जिन्हां दा मां प्यो ही कोई नहीं, जिन्हां दा दीन मजहब ही कोई नहीं, वो इहो जी बक बक करन ते इहो जिहा जनाब हम जिनस प्रस्ती दे राह खोलन वाले, बेहयाई दे दरवाजे खोलन वाले कानून पास करन, उन्हां दी ते समझ आउंदी है। ओए असी ते कलमा पढ़िया ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ओ पाकिस्तान बनाया ही असां ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नां ते वे, इत्थे कोई इस किस्म दा वाहयाती दा राह खोलन वाला कानून पास नहीं होना चाहिए। और अगर असेंबली ने किया तो असं भरपूर मसम्मत करने आउंदी और मुतालबा करने आस्थाना आलिया किला शरीफ के प्लेटफार्म तो और जनाब तहरीके इत्तेबाए रसूल के प्लेटफार्म तो जुमला आशिकाने रसूल असी जनाब मुतालबा करने के जिवें इनू पास किया एवें ही इस कानून वापस भी किया जाए। असी अपने मुल्क के अंदर बेहयाई नू तरवीज देने वाला और प्रमोट करने वाला कोई कानून बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतफाक कर दियो, हाथ उठा के तायद करो इस कानून वापस किया जाए, इस कानून वापस लिया जाए, जिमें पास किया उमें ही वापस लिया जाए। और असी जनाब अल्लाह तो उनके रसूल मनन वाले हाँ, इतने हर वो कानून पास होगा जेड़ा कुरान के भी मुताबिक होगा, रसूलुल्लाह के फरमान के भी मुताबिक होगा, समझ लो। हाँ जी, कोई किसी किस्म का गलत कानून। और सोहनी गल यही है, हुण असेंबली जिहड़े लोग बैठे ने जो गल करिए मियां खलील विच विच सियासत कर जांदा है, ये सियासत है, ये सियासत है। जिहड़ी मौजूदा असेंबली है किन्हां लोगों की है, सिवाय तीन चार बंदियां दे बाकी सारे ही साइन कर दिते ने। इहो जिहा लोगों नूं वोट देना बनदा है? तो जिन्हां बंदियां वोट दिता है इस कानून नूं, जिहड़े बंदे नूं तुसीं अपना नुमाइंदा बना के अगे भेज दिओ, इहदा मतलब है तू जो करेगा सानूं मंजूर है, यही है ना गल। तो मफादात की ने, मेरी नाली बना दी, मेरी पुल बना दी, मेरा मुंडा नौकरी लवा दिता, की करा मेरी बरादरी है वो भी हराई है, मैं भी हराई हाँ, लै भाई आ वाह भाई भाई। क्यामत वाले दिन पुछ होनी है कि तू ये साइन किस बुनियाद पर किए सन इस वाहियात कानून से, तो जदों साडे इलाके का नुमाइंदा जिन्हों असी असेंबली भेजांगे वो जाके योजा इस्लाम मुखालिफ कानून से साइन करेगा तो जिन्हों लोगों को घल्या है वह जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा चलो, वो लोग तो कह सकते हैं सानू उदों पता ही नहीं सी, सानू उदों ते जो पता लग जाए फिर भी जो आखे नहीं मेरा वोट इनू ही जाएगा तो भाई फिर जिन्हें देना है दे लवे, साडा काम यह नहीं हैगा। मियां खलील ने जाके उत्थे तुहाड़ी को हाथ फाड़ के मोर नहीं ला देने भी इधर ना ला इधर ला, इन्हें तो सिर्फ दसना है तो दस के मैं अपना फर्ज अदा कर रहा। अगे जिहड़ा जिथे मोर लाएगा अपना जिम्मेदार वो खुद होवेगा। हद हो गई है, खुसरिया वास्ते कानून पास हो रहा है। मैं पिट पिट मर गया, मैं क्या सोशल मीडिया के जरिए भी, और मैं क्या एक कानून बना दियो खुदारा। और कोशिश मेरी अजे भी जारी है भाई, एक बंदा अपनी बीबी नूं तीन तलाकां जिहड़ा इकट्ठियां देवे ना उन्हूं को 5 साल कैद, 5 लाख रुपया जुर्माना, और उन्हूं जनाब कोई लित्र भी कोई 500-100 जिहड़ा ना पूरा होवे पूरा, जिहड़ा 3 इकट्ठियां तलाकां देवे। भाई 3 तलाकां देना गुनाह है, इकट्ठियां 3 देना गुनाह है, और बिदअत है इकट्ठियां 3 तलाकां देना बिदअत है और गुनाह है। तो जो गुनाह है शरीयत ने इकट्ठियां तलाकां देने की इजाजत नहीं दिती, और जिहड़ा तिन्ना ने काम करना है वह एक भी कर देती है। अव्वल तो तलाक देनी ही नहीं चाहिए, अल्लाह रसूल नूं जिहड़ी शह तो बहुत नफरत है वह तलाक है, घर वसाउणा चाहिए। तो जब मजबूरी हो जाए तो फिर एक दे दियो, जिहड़ा काम 3 कर दियां ने ओह ही एक भी कर दी है। तो जिहड़ा बंदा 3 तलाकां 3 क्यों, 5-6-7 इकट्ठियां क्यों दे देंदे ने, पता है किसे पुछना ही नहीं। तो जे पता होवे भी 5 साल कैद भी हो जानी है, 5 लाख रुपया जुर्माना भी हो जाना है, तो 500-100 लीटर भी ठुकना चंगा बना के, कभी किसी बंदे सुन लिया जे, कभी किसी बंदे 3 तलाकां नहीं देनिया, बिल्कुल नहीं देनिया। पहले पुछण गया के
कि बड़ी मजबूरी बन गई है तो सही तरीका की है। मैं जी किसी वकील नाल मशवरा भी कर लवो तो मुफ्ती हो तुसी ते तुसी भी सही शरी दसो मसला वकील नाल भी मशवरा कर लवो कि दिमाग टिकाने आ जाएगा ना यह मसला है। तो मैं कई दफा यह मुतालबा किया कानून तो यहो जहा पास करने वाले ने क्यों जी वो कानून तो यह पास करने वाले ने एवें कढ़ के खुसरिया के हके कानून पास कर दिता वह खुसरियां दैत दे अगो मर्द औरत लिखवा लवे अपने आप में तो भी ठीक है औरत मर्द लिखवा लेता भी ठीक है बंदा बंदे ब्याह कर लेता भी ठीक है इन्हें बिचों ही शिका निकल लग गई बीबी बीबी ब्याह कर ले लाहौलाजीम एक मुसलमान कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता और फिर पूरी मुसलमाना की नुमाइंदा असेंबली होवे हुण तुसीं सोचोगे भी ये पागल हो गए ने सारे ये पागल हो गए ने इन्हां नूं की हो गया है? जी हाँ गुलामी होंदी है ना जिहड़ी गुलामी हाँ जी जदों बंदा आजाद होवे ना आजादी एक बड़ी वड्डी नेमत है ते जिहड़ा बंदा गुलाम होवे ना और कई आजाद मुल्कां च रह के भी ज़हनी तौर ते गुलाम ही होंदे ने हाँ जी तो मैं उन्हां दी गल कर रहा जिहड़े ज़हनी गुलाम ने असेंबली होवे आजाद और इन्हां ने ये यहूदो नसारा दी साजिश है ना सारी दबाव पा के यह कानून पास कर दिओ यह पास कर दिओ तो जिन्हें चुक के अगे लिया होंगे जो दबाव पाते हैं तो फिर आते हैं फिर की करिए समझते हो यह ज़हनी गुलामी है तो जो यहोजी ज़हनी गुलामी हो फिर बंदे इंज पागल हो जाते होंगे तो यह दुआ करो कि अल्लाह पाक सानू हकीकी आज़ादी नसीब करे हाँ जी।